हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। इस सेशन में हम वर्ब से रिलेटेड एरर्स देखेंगे। स्पॉट द एरर। द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ही वॉज सो इनक्विजिटिव। अब गौर करें कि यहाँ पर वॉज लिखा है, यानी टाइम पास्ट है हमारा। दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास वर्ब से संबंधित है, तो हमें वर्ब पर ध्यान देना है। रोज यहाँ पर रॉन्ग है, यही एरर है, यानी बी नंबर पार्ट में एरर है। तो आंसर हमारा बी है, बट क्यों एरर है? तो राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है, जिसका अर्थ है उठना, लेकिन क्वेश्चन उठाने को हम रेज कहते हैं। तो रेज V1 है और इसका सेकेंड फॉर्म V2 है, दैट इज रेज्ड। तो यहाँ पर रेज्ड होगा ना कि रोज होगा, और V2 ही क्यों होगा, क्योंकि वॉज हमारे पास यहाँ पर पास्ट टाइम दिया गया है। तो अगला हिस्सा भी हमारा पास्ट में ही होगा, लेकिन रोज गलत है, रेज्ड होगा। रोज मतलब उठना, यानी राइज का सेकेंड फॉर्म है ये, और रेज का सेकेंड फॉर्म रेज्ड है, यानी उठाया। तो रोज मतलब उठा, रेज्ड मतलब उठाया, राइज मतलब उठना, रेज मतलब उठाना, सवाल उठाना, सवाल करना। सवाल करने को रेज कहते हैं और सेकेंड फॉर्म इसका रेज्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। तो यहाँ देखिए बॉर्न ऑफ दिया हुआ है, ये गलत है, यानी पार्ट नंबर ए में ही एरर है। एरर क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। बियर मतलब सहना होता है, ठीक है, और बियर मतलब जन्म देना भी होता है, और इसी का हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम बोर्न देखते हैं, राइट। तो बियर बोर बॉर्न, सेकंड फॉर्म हमारे पास बोर है, BORE, और थर्ड फॉर्म हमारे पास बोर्न है। उसने गरीब परिवार में जन्म लिया, यानी गरीब माता पिता के पास उसका जन्म हुआ। वॉज यहाँ पर बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद यहाँ पर V3 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन V3 यहाँ पर बॉर्न BORNE ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका अर्थ होता है सहन किया, जो कि गलत है। तो बियर का थर्ड फॉर्म यहाँ पर बोर्न होगा, दैट इज BORN बॉर्न, ये करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1960 when India was not very self-dependent in many aspects. अब देखें आप गौर से कि found in 1960, यानी एरर हमारा बी में है, found नहीं होगा, क्योंकि find का सेकेंड फॉर्म found होता है। इसको आप ध्यान से समझें, find एक verb होता है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, पाना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है हमारे पास फाउंड, यानी पाया। लेकिन यहां पर हम फाउंड का इस्तेमाल V1 के तौर पर करेंगे, स्थापित करने के अर्थ में, और इसका अर्थ हम स्थापित करने के सेंस में ही देखेंगे। यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कब? 1960 में। तो फाउंड मतलब स्थापना करना, और इसका पास्ट होता है फाउंडेड, स्थापित किया। तो द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1960। तो फाउंड यहां नहीं होगा V2 के तौर पर, बल्कि फाउंडेड होगा, क्योंकि यहां स्थापना करने से संबंधित अर्थ है, जो कि फाउंडेड करेक्ट है। तो फाउंड जब V1 हो तो इसका V2 फाउंडेड होता है, स्थापना करने के सेंस में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। मैंने उसके खिलाफ शिकायत की, जैसा कि मेरी कई बार वार्निंग्स देने के बावजूद उसने अपने तरीके बदलने में असफलता प्राप्त की। तो यहाँ देखिए लिखा है कंप्लेंट, और एरर यही है, यानी पार्ट नंबर ए में ही हमारा एरर है। ये SSC बैंकिंग वालों के लिए क्वेश्चंस है, ध्यान से, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और ऐसी तमाम जानकारी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ग्रामर को बारीकी से समझने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह आपका ही चैनल है, इसी तरह आप सीखते रहेंगे।
देखिए अब कंप्लेंट लिखा है, तो आप ध्यान दें, शिकायत की ये अर्थ है, कंप्लेन वी वन है और कंप्लेन का वी टू होता है कंप्लेंट, राइट। और इसी कंप्लेन का नाउन फॉर्म होता है कंप्लेंट, जो ऊपर लिखा है। तो कंप्लेंट नाउन है, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए और वर्ब आएगा वी टू में। अब आप कहेंगे वी टू क्यों भाई, गौर कीजिए, ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, फेल्ड यहाँ वी टू में लिखा है, यानी कहानी पास्ट की चल रही है, तो सारी बातें पास्ट में होगी। इसलिए मैंने पहले के समय में, भूतकाल में हमने कंप्लेन किया होगा, उसके विषय में शिकायत की होगी, तो कंप्लेंट वी टू ये करेक्ट है, कंप्लेंट नहीं होगा, सुनने में एक जैसा लगता है, इसलिए कंप्लेंट लिख दिया गया। भला सब्जेक्ट के बाद कभी नाउन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कंप्लेंट एन ई डी, दिस इज राइट। फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट एफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। किसी भी इंसान पर असफलता का असर परमानेंटली नहीं रहना चाहिए, चिरकालीन असर ना रहे असफलता का किसी भी इंसान पर, क्योंकि जो बहुत टफ होता है, जो सख्त होता है, वही जीवित रहता है यहाँ पर। तो फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट एफेक्ट लिखा है, जो कि यहाँ गलत है। देखिएगा, एफेक्ट वर्ब है, ध्यान से, और एफेक्ट वी वन है, एफेक्ट का वी टू होता है एफेक्टेड, एफेक्टेड ये आंसर नहीं होगा, ध्यान से, वेट वेट। और यहाँ परमानेंट देखिए, परमानेंट एक एडजेक्टिव शब्द है और एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द नाउन होना चाहिए, यानी यहाँ पर एफेक्ट की जगह पर नाउन होगा, तो हमें लगता है कि एफेक्ट और इफेक्ट एक ही जैसा है, लेकिन नहीं, एफेक्ट का नाउन इफेक्ट होता है। तो आपको कंफ्यूज कराया गया नाउन से वर्ब को लिखकर या वर्ब से नाउन को लिखकर, कभी ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान देंगे, यहाँ पर नाउन की जगह पर वर्ब लिख दिया गया, तो परमानेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, नाउन एफेक्ट नहीं होता है, नाउन इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर इफेक्ट करेक्ट है, ना कि एफेक्ट, क्योंकि वर्ब के हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, इसलिए वर्ब लिखकर हमें एरर दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, थैंक यू सो मच, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इंग्लिश, इट विल हेल्प यू अलॉट, डेफिनेटली। गुड लक, जय भारत।